गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फॉर न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। हमारा लेक्चर फोर लेक्चर चल रहा है और ये फाइनल लेक्चर है। इट मींस फाइनल का मतलब है कि आज हमारे जो भी बचे हुए क्वेश्चन आंसर से 3, 4, 5, 6 एंड 7 आज हम इसको फिनिश कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। सो हमने कल भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए थे, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने एमसीक्यू किए थे, यानी कि मल्टीपर्पज टाइप क्वेश्चन आंसर्स आपको टिक करवाए थे। शायद आप लोगों ने कर लिए होंगे और आप लोगों को करने ही है ये। और क्वेश्चन आंसर्स के अंदर हमने 5 क्वेश्चन आंसर्स थे, कई एनिमल्स से रिलेटेड, तो आप लोगों ने वो भी कर लिए होंगे, करने हैं आपको। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग। भाई क्वेश्चन नंबर 4 है मैच द फॉलोइंग। तो बच्चों, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आंसर्स ओनली मैं आपको बोलूंगी और आपको टिक करने हैं। आंसर्स मैं आपको लिख के दूंगी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग, इसके अंदर 1, 2, 3, 4 and 5 क्वेश्चंस हैं। एंड ए बी सी डी एंड ई। ओके, इसके अंदर कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया है। बच्चों देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है मॉस्क्यूटो। भाई मॉस्क्यूटो है, मॉस्क्यूटो। चलिए हम क्वेश्चन लिख ही लेते हैं। मॉस्क्यूटो क्रो बटरफ्लाई एलिफेंट एंड टाइगर शार्प कर्व टीथ एंड ट्रंक सी sharp pointed mouth part। Proboscis। okay, क्लास मॉस्क्यूटो अब हमने मैच करना है। अब आप बताइए कि मॉस्क्यूटो का जो माउथ है वो कैसा था, बताइए, गैस कीजिए। बहुत ज्यादा पॉइंटेड है ना? यस, पॉइंटेड, यानी मॉस्क्यूटो हैव शार्प पॉइंटेड माउथ पार्ट्स। यस, क्रो का क्या है भाई? क्रो के पास बीक, क्योंकि बर्ड है वो। एंड बटरफ्लाई के पास जो उसका माउथ है वो कैसा है, उसको क्या बोला जाता है? यस, प्रोबोसिस। ओके, एंड एलिफेंट हैव ट्रंक वर्क जस्ट लाइक द हैंड। एंड टाइगर के पास, टाइगर हैव शार्प कर्व टीथ, उसके बिल्कुल शार्प कर्व टीथ है। ओके, अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आएंगे। गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच। आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं, आपके उनके कोई से भी 2 एग्जांपल्स दिए हैं। ओके, हार्वी
हर्बीवोरस के आपके को आप कोई से भी टू एग्जांपल्स देने हैं, जरा बताइए कौन से वो दो एनिमल्स है जो सिर्फ और सिर्फ ईट ओनली प्लांट्स। काऊ का नाम लिख दें क्या हम? यस काऊ, हॉर्स। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने काऊ और हॉर्स लिख दिया तो आप भी काऊ और हॉर्स लिख सकते हैं, आप डिफरेंट नेम भी लिख सकते हैं, आप बफेलो भी लिख सकते हैं, आप एलिफेंट भी लिख सकते हैं, आप गॉड भी लिख सकते हैं। बस यही है कि वो हर्बीवोरस एनिमल्स होने चाहिए। वन एंड टू है कार्निवोरस एनिमल्स, कार्निवोरस। तो कार्निवोरस के आपको टू एग्जांपल्स बताने भाई, कार्निवोरस एनिमल्स कौन होते हैं? ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, वो एनिमल्स जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स के मीट पे डिपेंड करते हैं। कौन से नाम लिख दे? लायन। लायन, टाइगर। आप कुछ और भी अदर नेम लिख सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर थर्ड, गनोइंग एनिमल्स। गनोइंग एनिमल्स में कौन से एनिमल्स आ जाएंगे? अनोइंग एनिमल्स में भी है काफी सारे एनिमल्स, तो हम एक रैट लिख लेते हैं और एक रैबिट लिख लेते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अंदर आपको उन एनिमल के बारे में बताना है जो कि अपने खाने को ओनली निगलते हैं, अपने खाने को निगलते हैं यानी कि वो सोलो करते हैं। तो कौन से, किसका नाम लिख दूं? लिजर्ट का नाम लिख दूं क्या? लिजर्ट। स्नेक का भी नाम लिख सकते हैं आप। आप कैमलिन का भी नाम लिख सकते हैं, किसी का भी नाम लिख सकते हैं, ये नहीं कि मैम ने ये नाम लिखे तो हम सेम लिख ले, आप कोई भी डिफरेंट नेम लिख सकते हैं। हर्बीवोरस, कार्निवोरस, नॉइंग एनिमल्स एंड फूड स्वॉलर एनिमल्स। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स, बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर सिक्स के अंदर है ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ट्रू एंड फॉल्स। तो हम ट्रू एंड फॉल्स करेंगे। ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन, कार्निवोरस हैव शार्प कर्व टीथ। यस, क्या कार्निवोरस के बिल्कुल शार्प टीथ होते हैं? अगर शार्प टीथ नहीं होंगे तो हाउ टू ईट, कैसे खाएंगे वो? सो काउ के बिल्कुल शार्प टीथ होते हैं, तो इसलिए क्या है? ट्रू। इसको ट्रू कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सम एनिमल्स डू नॉट हैव बाइटिंग और च्यूइंग टीथ। अच्छा, क्वेश्चन है कि कुछ एनिमल्स के पास बाइटिंग और च्यूइंग टीथ नहीं होते हैं? जी नहीं, सभी एनिमल्स के पास होते हैं भाई, च्यूइंग एंड बाइटिंग, बाइटिंग टीथ सभी एनिमल्स के पास होते हैं। सो दिस आंसर इज ट्रू ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, बटरफ्लाईज टेक इन सॉलिड फूड। भाई बटरफ्लाई कब से सॉलिड फूड खाने लग गई? कभी देखा आपने बटरफ्लाई को चपाती खाते हुए? नहीं ना। यस, दिस इज फॉल्स। क्या हो जाएगा ये? फॉल्स, क्योंकि बटरफ्लाई चपाती नहीं खाती है भाई, बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ वो फूलों का रस ही पीती है। क्वेश्चन नंबर फोर, नॉइंग एनिमल्स ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। भाई जो नॉइंग एनिमल्स है ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, फॉल्स। एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, कैट एंड डॉग लैप अप मिल्क एंड वाटर। यस, आपने देखा है डॉग और जो कैट होते हैं लैपिंग से यानी कि वो अपनी जीभ की हेल्प से, टंग की हेल्प से मिल्क और
वाटर पीते हैं. ओके दिस इज ट्रू. ओके बच्चों हमारे ट्रू फॉल्स भी हो गए. हमारे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ था ये भी कंप्लीट हो गया है. एक हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन है. तो क्वेश्चन नंबर सेवन मैं आपको पूरी टेबल बना करके बताऊंगी. तो आप भी घर पे क्वेश्चन नंबर जो सेवन है आप पूरी टेबल बना करके ही करोगे तभी आपको समझ में आएगा. ओके ओके बच्चों ये हमारी टेबल तैयार है. क्वेश्चन नंबर है सेवन. ओके आपको भी ये टेबल बनानी है. आप सभी को ये टेबल बनानी है. साथ में एनिमल्स के नेम मेंशन लिखने हैं, मेंशन करने हैं. एंड पुट द फॉलोइंग द एनिमल्स इन द करेक्ट ग्रुप्स. और इनको आपको ग्रुपिंग वाइज डिवाइड करना है क्योंकि देखिए यहाँ पे इतने सारे नेम्स है. किनके नेम्स है? एनिमल्स के बहुत सारे नेम्स है. तो आपको इसमें से निकाल करके कौन से एनिमल्स कौन से कॉलम में आएंगे आपको उनको मेंशन करना है. तो यहाँ पर थ्री यहाँ पे टेबल बना रखी है जिसमें जिसको थ्री ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है. सो द प्लांट्स ईटर, फ्लैश ईटर एंड बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ईटर. ओके तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा इसके साथ ही कुछ अच्छी चीज भी बता देती हूँ. तो बताइए बच्चों प्लांट ईटर को क्या करेंगे? इस बहाने हमारा रिवीजन भी हो जाएगा. हार्वीवोरस, हार्वीवोरस एनिमल, फ्लैश ईटर कौन से हो जाएंगे बताइए? कार्निवोरस या ओमनिवोरस? कार्निवोरस एनिमल्स कौन सा एनिमल हो गए? ये कार्निवोरस एनिमल्स जो ओनली ओनली मीट खाते हैं ये. एंड बोथ एंड फ्लैश ईटर वो कौन से एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ जो बोथ यानी कि प्लांट्स और फ्लैश ऑफ मीट यानी फ्लैश ईटर भी होते हैं? कौन से हो गए? ओमनिवोरस. ओमनी वॉरस एनिमल्स. ओके तो हमने इनको थ्री ग्रुप्स में डिवाइड भी कर दिया भाई. इस बारे हमें पता भी चल गया कि हार्वीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस एनिमल्स का डिवाइडेशन करना है. सो हम सबसे पहले करते हैं हम जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे आप भी अपनी अपनी बुक में टिक करेंगे. हम सबसे पहले हम हिप्पोपोटामस को टिक करेंगे. तो बच्चों हिप्पोपोटामस कहाँ पे आएंगे भाई? हिप्पोपोटामस दोनों चीज खाते हैं भाई. जो फिश वगैरह होती है वो भी खा लेते हैं और जो ग्रास वगैरह होती है वो भी खाते हैं. ओके एंड हिप्पो हिप्पोपोटामस. ओके अब नेक्स्ट फॉक्स. भाई फॉक्स क्या खाती है? तो फॉक्स भी दोनों चीज खाती है. आपने फॉक्स की स्टोरी सुनी है ना, फॉक्स एंड ग्रैप्स. फॉक्स के साथ चपाती वाली भी एक स्टोरी है. ओके तो आप यहाँ पर भी कभी कंफ्यूज हो तो आप वो स्टोरी याद कर लेना कि यस जो ओमनिवोरस एनिमल्स होते हैं बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ईटर. ओके नेक्स्ट टिक कर लिया. अब हम राइनोसेरॉस के बारे में बात करेंगे. तो राइनोसेरॉस ईट ओनली प्लांट. ओके अब हम करते हैं कैमलियन. ओके एंड अ कैमलियन एनिमल इज अ फ्लैश ईटर. यस कैमलियन. कैमलियन अब हम आते हैं टिक करते जाएंगे. लायन, लायन कहाँ आएगा? यस लायन. अब हम आते हैं रेड पे. रेड कहाँ जाएगा? रेड हार्वीवोरस. एंड जिराफ, जिराफ को देखिए कितनी लंबी नेक होती है.
इतनी लंबी नेक क्यों होती है जिराफ के पास? गॉड गिफ्ट होता है उसके पास, तो बड़े बड़े पेड़ों को, बड़े बड़े पेड़ों को खा ले, खा जे इजीली खा ले। ओके एंड जिराफ क्या होते हैं? हर्बीवोरस। अब मंकी कहाँ पर आएंगे भाई, बताते जाइए मंकी कहाँ आएंगे, इसको भी हर्बीवोरस में मेंशन कर दें। मेंशन कर दें नहीं, वो यहीं पर ही आएंगे क्योंकि ये प्लांट ईटर एनिमल्स हैं। अब हम आते हैं क्रो। अरे वाह, अब क्रो कहाँ पर आएंगे बताइए जरा। क्रो तो फ्लैश ईटर में कर दूं या प्लांट ईटर में कर दूं, दोनों ही खाते हैं ना वो भाई। क्रो की स्टोरी सुनी आपने है? फॉक्स एंड क्रो, तो कहाँ पर आ जाएंगे क्रो, क्योंकि क्रो ऑमनिवोरस एनिमल्स होते हैं। ओके चपाती भी खाते हैं, वो चूहे वगैरह मर जाते हैं उनको भी खा जाते हैं। ओके अब हम नेक्स्ट आते हैं लैपर्ड। लैपर्ड कहाँ आते हैं? वो तो लैपर्ड है तो लाइन के नीचे ही आ जाएगा। ओके लैपर्ड ये भी फ्लैश ईटर एनिमल होते हैं। अब लैपर्ड के नीचे टिक कर दें। अब कहाँ करेंगे फिश, तो फिश कहाँ पे करें, फिश भी ऑमनिवोरस में आ जाती है। ओके एंड कैमल, कैमल को कभी देखा है आपने? क्योंकि कैमल तो कभी कार्निवोरस, कार्निवोरस में तो आएगी नहीं, ऑमनिवोरस में भी नहीं आएगा, तो कहाँ पर आएगी ये? यस कैमल। अब हम डियर कहाँ करें, डियर एंड पिकॉक, पिकॉक को कहाँ कर दें, प्लांट्स या फ्लश? यस पिकॉक ऑमनिवोरस। अब वल्चर, भाई वल्चर तो फाइनली फ्लश ईटर एनिमल है, नो डाउट। ओके लिजर्ट, भाई लिजर्ट को देखा है मैंने, आपको बताया बार बार वो सारे खाने को निगल जाता है, तो लिजर्ट कहाँ आएगा, वो भी फ्लैश ईटर एनिमल है। ओके टेक जरूर करते जाना भाई, आपको पता रहेगा कि आपने इनको कर लिया है। अब स्नैक को कहाँ करूं, प्लांट फ्लैश या बोथ? यस फ्लैश स्नैक। ओके हॉर्स कहाँ आ जाएगा भाई, हॉर्स, हॉर्स भी हार्वी, हॉर्स भी हार्वी और एनिमल हो जाते हैं। अब रहेंगे कैट, तो कैट तो भाई दूध भी पीती है और साथ में चूहों को भी खाती है, तो दूध हो गया वेज और चूहे कौन से हो गए, यस तो कहाँ पे आ जाएंगे, ऑमनिवोरस में। कैट, कैट कहाँ आ गया, ऑमनिवोरस एनिमल्स यानी बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ईटर। अब आते हैं मैन, भाई मैंने आपको बता दिया था भाई मैन ह्यूमन बीइंग्स आल्सो द ऑमनिवोरस, हम तो ऑलरेडी ऑमनिवोरस है। ओके स्पेशली सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि आप भी नॉन वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन हो, वैसे नॉर्मली ह्यूमन बीइंग्स भी ऑमनिवोरस में आते हैं। ओके सो मैन। नेक्स्ट हमारा है बेयर, बेयर कहाँ जाएंगे, हर्बीवोरस कार्निवोरस या ऑमनिवोरस? यस बेयर कहाँ जाएंगे, बेयर्स आल्सो मेंशन इन अ ऑमनिवोरस। ओके नेक्स्ट काउ, नो डाउट काउ इज हार्बीवोरस, कहीं भी हार्बीवोरस का एग्जाम्पल आता है तो सबसे पहले हम काउ को मेंशन करते हैं। सो काउ, ओके नाउ टेक द काउ एंड डॉग। यस डॉग को कहाँ मेंशन करूँ, आप बताइए, इधर इधर। चलो हम भी काउ को भी ओमनिवोरस में ही मेंशन कर देते, क्यों, क्योंकि जो सॉरी जो डॉग है वो भी ऑमनिवोरस में आते हैं, क्योंकि जो डॉग है वो
वो बोथ होते हैं प्लांट्स और फ्लश हीटर भी होते हैं। सो डॉग। अब एक लास्ट है भाई फ्रॉग, तो फ्रॉग को कहाँ मेंशन करूं? लास्ट है, आप डिसाइड कर लो कहाँ फ्रॉग को मेंशन करूं, प्लांट में, फ्लश में या फिर बोथ में है। चलिए ये भी ओमनिवोरस में आ जाते हैं। ओके बच्चों, ये टेबल है और ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको उनके वो मतलब वो क्या खाते हैं उनके अकॉर्डिंग इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ऐसे कई और एनिमल्स है, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा नेम भी हो तो आप एक्स्ट्रा एनिमल्स को भी इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो आप सभी को ये टेबल बनानी है और टेबल बना करके आप कोशिश करें कि आप खुद ही उसको करें, उसके बाद आप चेक करें कि आप कहाँ तक सही हो। तो आज का जो ये हमारा जो कंप्लीट हो गया है, आज की हमारी फाइनल लेक्चर थी चैप्टर थर्ड की। सो टुडे इज योर होमवर्क टू क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 and 7। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।